subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geeky Show. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं OnePlus Nord का फुल रिव्यू। दोस्तों ये फोन लगभग मैं 40 डेज से यूज कर रहा हूं, मतलब एग्जैक्टली 40 डेज से यूज कर रहा हूं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूं। वैसे तो आपने काफी रिव्यूज ऑलरेडी देख लिए होंगे, बहुत लोगों के रिव्यूज देख लिए होंगे, बट ये रिव्यू भी देखिए क्योंकि ये रिव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने एक्सटेंसिवली यूज किया है और मैं आज की इस वीडियो में आपको इसके प्रोज और कॉन्स दोनों बताऊंगा, यानी इसकी अच्छाइयां भी बताऊंगा, इसकी बुराई बताऊंगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, मतलब बहुत सारों ने तो काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू दिया, लेकिन बहुत सारों ने मतलब जम के तारीफ ही कर दी, मतलब इससे बढ़िया फ़ोन ही नहीं है। वीडियो में आप लास्ट तक बने ताकि आपको OnePlus Nord की जो सच्चाई है ना उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं Geeky Show चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका एक बहुत अच्छा यूएसपी है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको इस पे देखने को मिलता है। 28,000 रुपीज़ का फ़ोन है, तो दो वेरिएंट्स में आता है, एक 26 में आता है, एक 28,000 में आता है। एक 6GB वेरिएंट आता है 64 के साथ, जो कि लॉन्च हो चुका है, वो भी सितंबर में, और वो आपको 25,000 रुपीज़ का पड़ता है। और ये आपको 8GB 128GB वाला जो हम लोगों ने बाय किया है, ये आपको पड़ता है 28,000 रुपीज़ का। इसमें आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल HD प्लस, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे पास Vivo V17 स्मार्टफोन भी है, और वो Vivo V17 स्मार्टफोन में भी आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले तो नहीं मिलता, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और जब मैंने उससे कंपेयर किया तो ये कहीं कम नहीं है, एकदम अच्छी टक्कर देता है। तो इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी मुझे पसंद आया। प्लस अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात किया तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं कह सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी जो डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो वो 60 हर्ट्ज़ का है, तो आपको उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप उसको बहुत ज्यादा यूज करोगे या आप उसको साइड में रख के यूज करोगे, एक 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले के साथ और एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, यानी आप OnePlus Nord है और Vivo V17 को साइड बाय साइड जब यूज करोगे, तो आप उसमें हल्का सा जो माइक्रोसेकंड का जो फर्क है वो आप देख पाओगे, अदरवाइज उतना नोटिसेबल नहीं होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड की। बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई, काफ़ी अच्छा बिल्ड है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, प्रीमियम लुक देता है, प्रीमियम फील देता है, हाथ में आपको लगता है कि हाँ यार एक अच्छा फ़ोन हमने जो है वो होल्ड किया हुआ है। और वाकई में आप जो 28,000 रुपीज़ पे करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन देखने को तो मिले ही कम से कम। उसके बाद बात करते हैं हेडफोन जैक की, जो कि इसमें आपको नहीं मिलता, और जो Vivo V17 हमारे पास रखा हुआ है इसमें हेडफोन जैक है, तो एक आदत सी है हेडफोन जैक यूज़ करने की और ईयरफोन्स यूज़ करने की, बट इससे आपको आदत छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें हेडफोन जैक नहीं है। वैसे यार हेडफोन जैक हटाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अभी तो देना ही चाहिए जब तक कि एक्सटेंसिवली टाइप सी के ईयरफोन्स नहीं लॉन्च होते हैं, और अडेप्टर लगा करके यूज़ करना इज़ क्वाइट अ हेडेक, क्योंकि मेरे परिचय में बहुत लोगों के पास OnePlus है और अडेप्टर्स खो जाते हैं, छोटे से अडेप्टर्स आते हैं वो खो जाते हैं, कहाँ कहाँ आप लेके चलोगे। तो हेडफोन जैक ना होना मेरे लिए एक कॉन है अभी भी, बहुत लोग इससे नहीं वाकिफ होंगे, लेकिन मेरे लिए हेडफोन जैक होना ना होना काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि हेडफोन जैक ज़रूरी होता है। कितने देर तक आप फ़ोन पे बात करोगे, और खासकर जब आप बिज़नेस कॉल्स करते हो, जब आप लंबी बातें करते हो, तो आप ज़्यादा देर तक अपना फ़ोन अपने कान पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। हाँ, कॉलिंग के दौरान फ़ोन तो थोड़ा गर्म हो जाएगा भाई, जब आधे घंटे से ज़्यादा बात करोगे तो गर्मी होगी। तो हेडफोन जैक इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी देखने को काफ़ी अच्छी मिलती है। स्पीकर का टेस्ट मैंने किया हुआ था, तो स्पीकर आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है, बहुत हाई क्वालिटी का नहीं मिलता है, लेकिन स्टेरियो स्पीकर्स इसमें देने चाहिए थे, क्योंकि हम 28,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, तो स्टेरियो स्पीकर्स इसमें होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, इसमें नहीं है। अदरवाइज स्पीकर जो है आपको डिसेंट क्वालिटी देता है आउटपुट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एक और आस्पेक्ट की, जो है इसका प्रोसेसर। प्रोसेसर में मैंने पबजी का टेस्ट किया हुआ है, मैंने पबजी का GFX टूल के साथ 60 हर्ट्ज पे टेस्ट किया हुआ है, तो आपको अच्छा देखने को मिल जाता है आउटपुट, प्रोसेसर जो है वो संभाल लेता है। कहीं कहीं 60 हर्ट्ज पे, यानी जब आप एक्सट्रीम में गेम खेलते हो, तो कहीं कहीं आपको कहीं कहीं जिटरिंग आपको महसूस होती है गेम खेलने के टाइम पे, अदरवाइज़ एक अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है 28,000 रुपीज़ में। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इसके प्रोसेसिंग से, और मुझे ये प्रोसेसर अच्छा लगा 28,000 रुपीज़ में। 765G एक अच्छा प्रोसेसर है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी की। अब देखिए 4000 प्लस mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है, 30 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है। मैंने चार्जिंग टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि 1 घंटे 3 मिनट में ये फ़ोन जो है वो फुल चार्ज हो जाता है फ्रॉम 0 to 100। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन जब बात आती है ड्रेनेज की, गाइज इसमें अगर आप 90 हर्ट्ज़ पे डिस्प्ले पे अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज देखने को मिलता है, मतलब ये फ़ोन 8-10 घंटे ज़्यादा नहीं चलता है।
मतलब आप मतलब ये नहीं कहूँगा कि 8-10 घंटे में ये 100% डिस्चार्ज जाता है, बट इट टेक 8-10 आवर्स टू डिस्चार्ज इट टू 10%, 15%, मतलब वो वार्निंग्स आने लगती हैं। तो 8-10 घंटे आपको स्क्रीन टाइम आपको मिलता है अगर आप 100% चार्ज करते हो तो, 90 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले अगर आप लगातार यूज़ कर रहे हो तो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है। और मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम ये 12-14 घंटा या 15 घंटा लगातार चले, क्योंकि यार 4000 mAh की बैटरी मिलती है, प्रोसेसर भी अच्छा हुआ है तो प्रोसेसिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए, बट नहीं मिलता है। तो ड्रेनेज मेरे लिए एक इशू है, क्योंकि जब आप फ़ोन एक्सटेंसिवली यूज़ करते हो, आप बाहर भी जाते हो, तो आप चाहते हो कि आपका फ़ोन जो है वो लंबा चले। तो कुल मिला जुला करके बैटरी अच्छी है, बैटरी का चार्जिंग अच्छा है, बट ड्रेनेज जो है वो ज़्यादा फास्ट है। हाँ, अगर आप 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ करते हो तो आपको मिल जाता है टाइम, लेकिन आप 90 हर्ट्ज़ पे जब यूज़ करते हो, यानी जब आप ज़्यादा स्मूथली यूज़ करना चाहते हो, तो काफ़ी तेज़ ड्रेनेज होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, बहुत से DMs भी मुझे आए इंस्टाग्राम पे, आप ही लोग के DMs आते हैं और आप ही लोग मुझे सब बताते हो कि सर ये भी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक अकेला इंसान कितनी चीज़ें को टेस्ट करता रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी चीज़ों को एक्सटेंसिवली टेस्ट करूँ। अब बात करते हैं टेस्टिंग के बाद, अब बात करते हैं कैमरा की। वैसे तो मैंने ऑलरेडी कैमरा रिव्यू बनाया हुआ है, लेकिन इसमें 3 अपडेट्स आ चुके हैं और तीनों अपडेट्स में कैमरा को इम्प्रूव किया गया है। पहले 4K और 60 FPS पे स्टेबिलिटी नहीं थी, कैमरा क्रैश हो जा रहा था फ्रंट कैमरा, बट अब वो प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में सॉल्व हो चुकी है, लगभग सभी फ़ोन्स में सॉल्व हो चुकी है। लेकिन कैमरे को लेकर के प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम, और जब आप उस पर कोई फ़ोटो ले रहे हो तो वो फ़ोटो जो है वो ब्लर्ड आ रही है या वो क्लियर नहीं आ रही है। मेरे को एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर युवराज, उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी भेजी स्नैपचैट से खींच करके या इंस्टाग्राम से खींच करके, और उन्होंने मुझे दिखाया कि सर ये देखिए कि यहाँ पर ब्लरनेस ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम फ़ोटो हिला दिए हैं। उसके बाद मैंने खुद भी ट्राई किया, मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ कम लगाता हूँ या मैं स्नैपचैट स्टोरीज़ बहुत बहुत ही रेयर, तो मैंने लगाया, मैंने देखा और मुझे भी वो चीज़ देखने को मिली कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, मतलब युवराज जी ने भी मुझसे पूछा कि सर ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, क्योंकि फ़ोन तो बाय कर लिया है और कैमरे के छोटे से प्रॉब्लम के लिए फ़ोन तो हटाएंगे नहीं। तो ये प्रॉब्लम अपडेट के साथ ही ठीक होगी, 3 अपडेट्स इन्होंने अपने आप को सुधारने के लिए ऑलरेडी दे दिया है। ब्लूटूथ वगैरह की जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको सुधारने के लिए दे दिया है, तो इसका भी अपडेट वो देंगे ही देंगे, तो वो आ जाएगा। नहीं आता है तो इसके बारे में हम लोग आगे आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अभी मैं ये OnePlus Nord तो यूज़ करने वाला हूँ, फ्यूचर में भी देखते हैं। मुझे ये फ़ोन पसंद आ रहा है और मैं रियली आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप लेना चाहते हो ना तो 28,000 रुपीज़ अगर आपका बजट है तो आप 8/128 GB ले लो, यार सच में अच्छा फ़ोन है। अगर कैमरे की प्रॉब्लम्स को हटा दिया जाए, यानी जो सोशल मीडिया वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सोशल मीडिया ऐप्स यानी इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे जो आप फोटोज़ ले रहे हो वो ब्लर्ड आ रही हैं, पूरी तरीके से ब्लर्ड नहीं आ रही हैं लेकिन आ रही हैं ब्लर्ड, तो उसको अगर हटा दिया जाए तो नॉर्मल अगर आप कैमरे से फोटो लेते हो तो 4K at 60 FPS फ्रंट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, 4K at 60 FPS पीछे बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, रियर कैमरा, मतलब कैमरे की क्वालिटी मुझे सच में अच्छी लगी और प्रीमियम क्वालिटी की लगी। मतलब जो इन्होंने बोला ना कि OnePlus 8 का कैमरा हम चुरा करके OnePlus Nord में लगा दिए हैं, सही है, अच्छा है, कैमरा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है फ्रंट में भी रियर में भी। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो ये सुधार रहे हैं, तो यू कैन ट्रस्ट कि हाँ यार जब ये 3 अपडेट्स 1 महीने के अंदर दे सकते हैं तो ये सुधारेंगे, उन प्रॉब्लम्स को लेंगे। और मैं OnePlus कम्युनिटी का जो एप्लीकेशन है उस पर भी विजिट करता रहता हूँ, देखते रहता हूँ और उनका रिप्लाई आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं बताऊँ तो इसकी ऑनलाइन सर्विस मुझे काफ़ी पसंद आई, ये काफ़ी जल्दी रिप्लाई करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और आप चाहते क्या हो, आप एक अच्छा फ़ोन चाहते हो, अच्छी सर्विस चाहते हो, यही आप चाहते हो, तो कुल मिला जुला करके क्या मैं रिकमेंड करता हूँ OnePlus Nord खरीदना, देखिए परफेक्ट फ़ोन नहीं कहूँगा, बहुत लोगों ने इसको परफेक्ट जवाब दे दिया कि यार 28,000 रुपये में मतलब ये परफेक्ट है, बेस्ट है, नहीं, वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, और भी आपको इसमें अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं एक और स्मार्टफोन बाय करने का प्लान के कर रहा हूँ, कन्फर्म ही है, लेना ही है, मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में पूछ लिया और आपने वोटिंग दे दी है, तो उसको भी जल्दी से बाय करते हैं और उसके भी रिव्यू बहुत जल्दी जल्दी आएगा, उसके भी वीडियोज़ बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, तो उसका आप लोग वेट करिए, स्टे ट्यून्ड रहिए। क्या OnePlus Nord पे मेरा क्या ओपिनियन है, OnePlus Nord एक अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप रियल में OnePlus स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आया। और एक चीज़ मैं आपको और इसके बिल्ड क्वालिटी में बताऊँगा, मुझे अभी तक कोई भी स्क्रैचेज वगैरह इसमें देखने को नहीं मिले हैं, तो जो इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन जो मिली हुई है वो काम कर रही है। तो ऑल टू ऑल अगेन नाइस स्मार्टफोन, डिसेंट स्मार्टफोन एंड रिकमेंडेड स्मार्टफोन। तो अगर आपको बाय करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहीं से बाय करिए, उसे चैनल की थोड़ी
हेल्प होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड रहिए, आने वाले टाइम में यानी कुछ दिनों में मैं और भी स्मार्टफोन्स की वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जो लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, मे बी गैलेक्सी M51 या मे बी ओप्पो F17 प्रो, उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा चाहिए। मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी डाला हुआ है, वहाँ जाके आप वोट भी कर सकते हैं कि आपके कौन सा स्मार्टफोन का आपको चाहिए, क्योंकि उसी पोल से ही मैं स्मार्टफोन खरीदने वाला हूँ। जिस पे ज़्यादा वोट्स होंगे वही स्मार्टफोन मैं खरीदूंगा और उसका रिव्यू और उसका वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको बेटर से बेटर एक्सपीरियंस मिल सके स्मार्टफोन लेने से पहले। स्मार्टफोन लेने से पहले ना आप सारी वीडियोस देख लिया करो, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, क्योंकि आप बहुत मेहनत का पैसा खर्च करते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना जरूरी है, शेयर नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे, और आप शेयर ही नहीं करोगे, आप मेरी भी हेल्प करोगे और आप औरों की भी हेल्प करोगे जो स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। तो हेल्प करिए, सबकी हेल्प करिए, हेल्प करना अच्छी बात है। तो इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको जानकारी पहुंचे। और दोस्तों चैनल पे नए होना यार, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर यहाँ तक देख लियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।